अदाकारों ने हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं। जहां भी जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाते हैं। जहां एक और बड़े पर्दे पर आप सभी को जमकर एंटरटेन करते हैं अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए, तो वहीं अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल के जरिए भी अपने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस चमक धमक की दुनिया से दूर अपनी निजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी देखते हुए नजर आते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, मॉडल, टीवी पर्सनैलिटी मलाइका अरोड़ा के बारे में। मलाइका, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, इन उतार चढ़ाव का डटकर सामना किया है और आज के समय में अकेले मुंबई के एक आलीशान फ्लैट में अपने बेटे अरहान के साथ जिंदगी बिता रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ मलाइका अरोड़ा डेट कर रही है बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मलाइका और अर्जुन शादी के बंधन में बनेंगे। लेकिन इस दौरान मलाइका और अर्जुन ट्रोलिंग का सामना करते हुए भी देखे जाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में शुमार है मलाइका और अर्जुन। लेकिन दूसरी ही तरफ आप इस बात से भी वाकिफ है कि मलाइका, जो की शादी के बंधन में बंधी थी पहले बॉलीवुड के दबंग खान यानी की सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। वेल, हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मलाइका और अरबाज के तलाक के बारे में और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करोड़ों रुपए दिए थे अरबाज ने मलाइका को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। तो चलिए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा बीते लंबे समय से डेट कर रही हैं एक्टर अर्जुन कपूर को। ये प्यारा सा कपल जहां भी स्पॉट किया जाता है तो हमेशा ही अपनी खूबसूरत बॉन्डिंग के जरिए, अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वहीं दूसरी ही तरफ मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड यानी कि बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान डेट कर रहे हैं इटालियन मॉडल एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी को। अरबाज और जॉर्जिया जहां भी जाते हैं वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इस दौरान देखा जाए तो दोनों ही कपल्स की शादी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि कब अरबाज और जॉर्जिया, तो वहीं दूसरी ही तरफ मलाइका और अर्जुन शादी की बंधन में बनेंगे। जहां एक ओर आज के समय में दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अरबाज और मलाइका की लव स्टोरी के चर्चे हुआ करते थे भी टाउन में। जी हां दोस्तों, दोनों की लव स्टोरी काफ़ी एक्साइटिंग रही है। दोनों की लव लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग रही है और दोनों का रोमांस बॉलीवुड में चर्चा बटोरा करता था। लेकिन वक्त ऐसा भी आया जब दोनों की राहें अलग हो गई। दोनों ने ही तलाक लेने का फैसला कर लिया था। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि तकरीबन दोनों की ये शादी 19 साल तक चली और 19 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं मलाइका और अरबाज की शादीशुदा जिंदगी के बारे में, किस तरह से दोनों की लव लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी लेकिन बाद में दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलें आने लगीं और दोनों ही एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले चुके थे। और इस दौरान देखा जाए तो एलिमनी के तौर पर मलाइका अरोड़ा को अरबाज खान ने करोड़ों रुपए भी दिए थे। वेल, हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से मलाइका अरोड़ा के नाम करोड़ों रुपए हो गए थे। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मॉडलिंग के दौरान मलाइका अरोड़ा की मुलाकात हुई थी अरबाज खान से और मुलाकात ने इन दोनों के बीच की दोस्ती और प्यार की शुरुआत कर दी।
दोनों का 4 साल तक अफेयर चला था और बाद में खुद मलाइका ने अरबाज को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। 21 दिसंबर साल 1998 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। ये प्यारा सा कपल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया करता था और बॉलीवुड इंडस्ट्री में पावर कपल्स के तौर पर जाना जाता था। लेकिन साल 2016 में दोनों ने तलाक के लिए अर्जी लगाई और साल 2017 में दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। मलाइका और अरबाज के बेटे हैं अरहान खान, जो कि 18 साल के हो चुके हैं। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो कि वायरल होते रहते हैं। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था और अदालत ने तलाक के लिए मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इनका तलाक काफ़ी सुर्खियों में रहा। दरअसल कहा जाता है कि अरबाज खान अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाए और यही चीज़ मलाइका को रास नहीं आई। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मलाइका और अरबाज के रिश्ते को लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जो अपने इंटरव्यू में दोनों ही बताते हुए नजर आते हैं। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस कपल ने बांद्रा कोर्ट में एक दूसरे से तलाक की अर्जी दी थी। कुछ अनिवार्य काउंसलिंग सेशन भी लिए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि मलाइका कम से कम 10 करोड़ रुपए गुजारे भत्ते के तौर पर लेना चाहती थी और उससे कम लेने को वह तैयार नहीं होती। और उस दौरान देखा जाए तो अरबाज खान ने उन्हें 10 करोड़ देने के बजाय 15 करोड़ रुपए गुजारे भत्ते के तौर पर दिए थे। हालांकि देखा जाए तो मलाइका ने इस बात को अफवाह करार दिया कि उन्होंने अपने गुजारे के लिए कोई भी रकम नहीं मांगी थी। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि दोनों ही कई बार साथ में डिनर करते देखे गए थे और उस वक्त ऐसा भी लगने लगा था कि दोनों के बीच चीज़ें ठीक होने लगी हैं, लेकिन इन दोनों ने अपना फैसला नहीं बदला। दोनों ही जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में एक साथ नजर आए। बेटे की बर्थडे पार्टी पर भी दोनों ही एक साथ देखे गए और पूरे खान परिवार ने मिलकर अरहान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और आज के समय में देखा जाए तो मलाइका अरोड़ा अरबाज खान से अलग होने के बाद भी बेहद लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जीती है। मुंबई में एक आलीशान फ्लैट में रहती है मलाइका। तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि अरबाज खान का परिवार मलाइका अरोड़ा के खर्चीले और अलग तरह के रहन सहन से खुश नहीं थे। तो वहीं सलमान खान की दोनों बहनों यानी कि अलविरा और अर्पिता की बॉन्डिंग भी मलाइका के साथ कुछ खास अच्छी नहीं थी। और इस तरह से देखा जाए तो तमाम ऐसी अफवाहें हैं। अरबाज से अलग होने के बाद मलाइका खान परिवार के सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स में कई बार शामिल हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, मलाइका और अरबाज सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धन्यवाद कहते हुए भी देखे जाते हैं। वेल, जहां एक ओर मलाइका और अरबाज एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को धन्यवाद कहते हुए नजर आए हैं सोशल मीडिया पर। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि तलाक के बाद बेटे अरहान की कस्टडी मलाइका अरोड़ा के पास है और अरहान जो अपनी मां मलाइका के साथ रहते हैं, लेकिन अपने पिता अरबाज से अक्सर मिलने भी पहुंच जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो मलाइका अरोड़ा को गुजारे भत्ते के तौर पर अरबाज ने ये 15 करोड़ रुपए दिए थे। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की राहें अलग हो गई। आज के समय में मलाइका अपने बेटे अरहान के साथ अकेले रहती हैं, तो वहीं अरहान अपने पिता अरबाज खान के साथ भी वक्त बिताते हैं। फिलहाल देखा जाए तो अरबाज और मलाइका दोनों ही अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर अरबाज की गर्लफ्रेंड की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ मलाइका और अर्जुन को भी आए दिन एक साथ स्पॉट किया जाता है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।